आदाब, आपका इस्तकबाल है हमारे चैनल शमाए उर्दू हिंदी में। आज मैं लेके आया हूँ वक्त की पाबंदी, क्लास है अपनी ज़बान। मज़मून अगर लिखने के लिए आता है वक्त की पाबंदी तो ये है। मशहूर कहावत है, गया वक्त हाथ आता नहीं। हम देखते हैं कि खाली के कायनात ने कुदरती निज़ाम की बुनियाद पाबंदी वक्त पर रखी, और इसी से इंसान ने वक्त की पाबंदी का सबक देखा है। मसलन आफ्ताब के तुलो गुरूब होना, सितारों की गर्दिश, रात और दिन की तब्दीली, मौसम का तगैर तब्दीली, वक्त की पाबंदी उनकी अहमियत और कदर व कीमत की तरफ अपनी तवज्जो मबजूल करती है। वक्त के मानी है ज़माना या अरसा। हकीकत यह है कि वक्त ऐसी बेशबहा दौलत है जो खोकर दोबारा हासिल नहीं हो। इसकी कदर व कीमत वही जानता है जिसको वक्त ने सरबुलंदी और सरफराजी अता की, या फिर इसी वक्त ने जिल्लत और नाकामी का मुँह दिखाया। वक्त और ज़िंदगी का चोली दामन का साथ है, जिसने वक्त की पाबंदी की वक्त ने भी उसका साथ दिया। इस कौल की सदाकत में हज़ारों मिसालें दी जा सकती हैं। वक्त एक तेज़ रफ्तार शेर है, ये नेमत बेबहा है, जिसने इसकी कदर की उसने पूरा पूरा फेज उठाया। और ये इस बात की कि हमने खुद अपनी गफलत और भूल से वक्त की कदर कीमत ना पहचानी और वक्त के हाथ से खो देने के बाद हाथ मिलते हैं। हमारी ज़िंदगी का एक एक लम्हा कीमती है, इसीलिए इसकी नेमत खुदाबंदी जानकर नहायत ही आला मकासद और मशागिल में सर्फ करनी चाहिए। खुसूसन जवानी के अयाम आला मकासद की तकमील के लिए मुफीद है। वक्त का सही इस्तेमाल इसकी पाबंदी करके ही हासिल किया जा सकता है। पूरी दुनिया का निज़ाम वक्त की पाबंदी के तहत चल रहा है। अगर वक्त की पाबंदी ना हो तो दुनिया का सारा निज़ाम दरहम भरम हो जाएगा। सारे निज़ाम शमसी एक दूसरे से टकरा जाएंगे। ट्रेनों और हवाई जहाज़ों की आमदोरफ़, दफ्तरों की कारगर्दी, औकात तलबा के इम्तिहान के कमरों में पहुँचने का वक्त, खेतों में फसलों की बुआई और कटाई के औकात वगैरह सभी के लिए मखसूस औकात मुकर्रर हैं। वक्त मुकर्रा पर अगर कामों को अंजाम न दिया जाए तो सारा निज़ाम दरहम भरम हो जाएगा। वक्त की पाबंदी ना करना नाकामी की दरीद है। हर काम का जो वक्त मुकर्रर है उस पर सख्ती से अमल किया जाए। वक्त की पाबंदी करना कामयाबी की ज़मानत है। जो तालिब इल्म वक्त की पाबंदी नहीं करते, अपना वक्त फजूल कामों में सर्फ करते हैं, पढ़ाई पर तवज्जो नहीं देते, वो ना सिर्फ तालीमी मैदान में बल्कि ज़िंदगी मैदान में भी दूसरों से पीछे रह जाते हैं। अगर इंसान वक्त की पाबंदी करे तो ज़िंदगी हर शोबों में हर मोड़ पर नुमाया कामयाबी हासिल करता है। देखा जाए तो दुनिया की अजीम हस्तियों ने वक्त की पाबंदी करके ही नाम पैदा किया। जिन अफराद ने या जिन कौमों ने वक्त की पाबंदी की कामयाबी उनके कदम चूमे, उन्हें इज्जत और शोहरत के मेराज नसीब हुए और बाब अरूज पर पहुँच कर दुनिया पर छा गए। अंग्रेज़ कौम की इसकी नुमाया मिसाल है, जिन्होंने वक्त की नब्स पहचान कर ना सिर्फ काराए नुमाया अंजाम दिए बल्कि अपने हुक्मरान बन गए। इनकी हुकूमत में सूरज गुरूब ही नहीं होता था। इसीलिए हम सब के लिए ज़रूरी है वक्त की पाबंदी करें, क्योंकि हमारी तरक्की, इज्जत, शोहरत और कामयाबी का राज वक्त की कदर और पाबंदी के में पोशीदा है। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।